आप सबका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश महाजन। आज की मेरी वीडियो है शनि पर्वत अति विकसित या अल्प विकसित या सामान्य कैसा देखा जाता है, आओ हम जानें। शनि पर्वत का विकसित होने देखने के लिए जहां पर शनि पर्वत में बनने वाला उवार देखा जाता है। यदि ये पार्ट ज्यादा मांसल है तो ये अच्छा नहीं गिना गया। शनि पर्वत बिल्कुल थोड़ा उवार लिए होना चाहिए, ये सामान्य गिना गया है। यदि इसमें गड्ढा पड़ता है तो ये लो विकसित या अल्प विकसित होता है। यदि ये शनि पर्वत अति विकसित है, ज्यादा विकसित है, ओवर डेवलप है, तो ऐसे जातकों को डिप्रेशंस, टेंशंस, ड्रग एडिक्शंस, इंसोमिया, अपने आप में खोए रहने वाले इंसान होते हैं। यदि ये अल्प विकसित है, इसमें गड्ढा पड़ता है, तो ऐसे लोगों को सेहत की बहुत प्रॉब्लम रहती है। इल हेल्थ मानसिक प्रॉब्लम भी रह सकती है और शारीरिक प्रॉब्लम भी रह सकती है। ऑटोइम्यून संबंधी डिजीज भी होने के 100% चांसेस होते हैं। जिन लोगों का ये एरिया बिल्कुल थोड़ा सा रेज्ड है, ऐसे जातक बहुत ही अनुशासन में रहने वाले, अपने आप को प्रैक्टिकल होते हैं, ऐसे लोग कंजूस किस्म के होते हैं, पैसा संचय करने में इनका विश्वास होता है। ये लोग एनालिटिक होते हैं, रिसर्चर होते हैं, ये लोग कोई साइंटिस्ट हो सकते हैं, ये लोग रिसर्चर हो सकते हैं, ये लोग कोई टेक्निकल काम करने वाले इंजीनियरिंग में, ये लोग बहुत बढ़िया रियल स्टेट के काम करने में बहुत दक्ष हो सकते हैं। प्रायः ऐसे लोग जिनका शनि अच्छा होता है, ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, साइंटिस्ट, एनालिटिक इंजीनियर, मोस्ट सक्सेसफुल इंजीनियर्स हो सकते हैं। सो अपने हाथों को देखो और अपने बारे में जानो और दूसरों के बारे में जानो और हस्त रेखा को सीखो। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।